तो वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई, ये सीधा आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से। अगर वो वैक्सीन विदेश नहीं भेजी जाती तो आज ये कमी नहीं होती। देश में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश एक तरफ कोरोना संक्रमण के 3,48,421 मामलों का सामना कर रहा है, वहीं कोरोना से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 4,205 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में 3,55,338 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा देश में 19,83,804 लोगों का कोविड टेस्ट भी हुआ है। तो टेस्टिंग रेट भी बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन आज जो हैरान करने वाला आंकड़ा आया वो मौत का आंकड़ा था। 24 घंटे में 4,205 लोगों की कोरोना से जान चली गई। तो चलिए अब आपको कोरोना काल में देश भर का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के नासिक का हाल, जहां पर लॉकडाउन से पहले बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। हमारे संवाददाता योगेश खरे पहुंचे, देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। नासिक जिले में कोरोना की संख्या कंट्रोल ना हो पाने की वजह से आज से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी भीड़ है, ये सब भीड़ खरीदारी करने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। करीबन 12 बजे से लेकर आने वाले 10 दिन यह लॉकडाउन पूरी तरह से जारी रहेगा, जिसकी वजह से ये भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। आने वाले लॉकडाउन में ग्रोसरी शॉप्स, मिल्क शॉप्स और छोटी मोटी दुकानें जो है, सब्जी मार्केट भी पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं, और जिसकी वजह से लोग घबरा कर आज यह खरीदारी कर रहे हैं। करीबन 11 दिन का यह लॉकडाउन आने वाले दिनों में कोरोना कंट्रोल कर सकता है। यहाँ की जो डेथ है, हर रोज करीबन 3,000 से ज़्यादा संख्या जो है वो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की हो रही है। 30 से 40 डेथ जिले में हो रही है, जिसकी वजह से यह लॉकडाउन लगाया गया है। इतना ही नहीं, नासिक की APMC जो पूरे मुंबई, गुजरात और सब जगह सप्लाई करने वाली सब्जी मार्केट है, उसे भी बंद रखा गया है। और उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों के बाद नासिक का कोरोना कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया नासिक। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।